लोग इस पीरियड पे आप सब लोग यहाँ पे आए जो कि आज का एजेंडा है मोस्ट अवेटेड ट्रोल RC 200 सही है ना सही काफी लोग ट्रोल कर रहे थे इन शॉर्ट अगर सच कहूँ तो मैं भी काफी ट्रोल कर चुका हूँ आरसी सीरीज को मुझे भी बेहद यानी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी लेकिन जब आज हमने फिजिकली बाइक देखी चलाई उसके कुछ फीचर्स देखे फिजिकली तो सही में बहुत ही बढ़िया आरसी बनाई गई है आज के डेट में मजा आएगा तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले इस बाइक की एक शोरूम बताना चाहूंगा जो कि एक शोरूम दिल्ली है 2,08,700 इसका कारण यह है कि इस टाइम 2022 जो सेकेंड जनरेशन आरसी 200 है प्राइस कहीं पे भी बढ़ाई नहीं गई है लेकिन अगर फीचर वाइज देखते हो तो काफी सारे फीचर्स एड ऑन किए गए हुए और काफी बढ़िया फीचर्स दिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे जो मास्टर एसआई सर्विस के जो कि टेक्निकल नॉलेज जो कि काफी जानते हैं मिस्टर योगेश ये आपको बाइक के बारे में कुछ सही फीचर्स बताएंगे योगेश प्लीज गुड इवनिंग हाँ मैं योगेश एंड आप सबका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ काफी सारे फैमिली लोग हैं एंड जैसे अनवर ने आपको बोला कि आरसी सीरीज के पहले लीक्स आ रहे थे तो उसमें काफी रूमर चल रहे थे उसके बारे में बाइक के बारे में कि बाइक कैसा होगा क्या होगा बट आफ्टर सीइंग अ बाइक एवरीबॉडी हैज चेंज देयर परसेप्शन अबाउट अ बाइक एंड इट इज ट्रूली इंस्पायर्ड फ्रॉम मोटो 3 कैटेगरी व्हिच इज मोटो जीपी इंस्पायर्ड बाइक वी कैन से एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम अबाउट बाइक सामने की तरफ आप देखते हो तो काफी लोगों को प्रोजेक्ट का हेडलाइट पसंद था अभी ये कुछ आपने हैलोजन डाल दिया हमें पसंद नहीं वगैरह बट लेट मी टेल यू दिस बाइक हैज अ एलईडी हेडलाइट एंड इट हैज अ प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स एरोडायनामिक शेप इसमें प्रॉपर्ली मेंटेन किया है इवन विंडशील्ड इसका लार्जर विंडशील्ड है विद बबल तो आप उसमें लीन फॉरवर्ड होते हैं तो प्रॉपरली इसमें आप फिट हो जाते हैं एग्रेसिव स्टांस आपको काफी बढ़िया मिलता है उसमें एज वेल एज उसमें आपको इंडिकेटर फेयरिंग इंडिकेटर मिरर्स आते हैं उसमें एलईडी डीआरएल उसमें साथ में आपको आएगा एज वेल एज उसमें आपको बाइक में टीएफटी एलसीडी डैश डिस्प्ले आता है जो कि काफी लार्जर डिस्प्ले जैसे आप ADV250 बाइक में देखते हो उस टाइप का डिस्प्ले आता है वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी एज वेल एज टैंक सबसे नई चीज इसमें टैंक काफी इंक्रीज किया है 13.7 लीटर का टैंक है इसमें जो कि आरसी में काफी लोगों की कंप्लेंट आती थी 9.5 लीटर का टैंक है हमेशा रुकना पड़ता है तो इसमें इतनी ज्यादा कंप्लेंट नहीं आएगी इसमें एज वेल एज इसमें सामने जो रेडिएटर है वो कर्व शेप रेडिएटर दिया है जो कि 10% लार्जर रेडिएटर है और इट हैज अ बिगर रेडिएटर फैन विद हैज अ ड्यूल मोड रोटेशन एंड लार्ज आरपीएम इटसेल्फ एज वेल एज इसके साथ में इसका एयर फिल्टर जो इट इज ऑल्सो 40% इंक्रीज एंड इट हैज मोर ब्रीदिंग फॉर अ बाइक सो इट कैन गिव यू बेटर परफॉर्मेंस इटसेल्फ एंड एज वेल एज आप इसमें बाइक में देखोगे तो इसमें अलॉय शेप जो है ये कम्प्लीटली चेंज है जो एज कम्पेयर टू अर्लियर वर्जन इसके अलॉय कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड इसमें अलॉय का वेट रिडक्शन हुआ है सो अल्टीमेटली कॉज ऑफ दैट आपकी बाइक का भी वेट रिडक्शन होता है एंड इसमें जो डिस्क ब्रेक यूज है दैट इज ऑल्सो बिगर डिस्क ब्रेक previously it was a 300mm disc brake now it is 320mm disc brake and even disc size is different so disc में भी आपका weight reduction हुआ as well as chain sprocket आपका same है but chain sprocket में भी आपका weight reduction हुआ तो cause of that thing आपकी bike का जो dry weight है वो as compared to previous version it is less than 3.7 kg but ultimately gross weight आपकी bike का उतना ही रहेगा क्योंकि larger fuel tank आता है radiator change आएगा air filter box वगैरह ये सब चीजें changes हैं तो ultimately आपका curb weight उतना ही रहेगा and as well as इसमें आपको brake lever and gear lever ये foldable आते हैं तो crash के condition में टूटने के chances कम रहेंगे foot pegs इसके साथ slightly forward है handlebar as it is clip on handlebar है but it is 14mm adjustable handlebar you can adjust accordingly and as compared to previous generation it is slightly upward so it will give you more upright sitting posture and if you want aggressive stance you can put it down and you can ride it aggressively also so all these things same packaging all comes with the same price there is no additional price increase on a bike as of now so as of now the colors which is introduced which is one is the silver and second is the orange color which is a KTM flagship colors so this is about the bike and आपको ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ अभी टेक्निकल नॉलेज देखे मैं सीधा हमारे जो साइज सर्विस के जीएम है विक्रम मिस्टर विक्रांत सर एंड एजीएम मिस्टर तुषार सर बाइक को इन्वाइट करना चाहूँगा एंड उनके हाथों से बाइक का अनवील करूँगी सर प्लीज़ सर
उसके पहले योगेश साहब ने हमारा एक चीज मिस किया, बाइक में ड्यूअल चैनल एबीएस लगे हुए बाय बॉश, लेकिन फर्स्ट टाइम आरसी सीरीज में इट्स स्विचेबल सुपर मोटो मोड वो ऑप्शन दिया गया हुआ न्यू आरसी में। ठीक सर, प्लीज सर वो